होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने किचन से। तो गाइज आज है राधा अष्टमी का दिन, श्री राधा जी का जन्मदिन है और आज मेरी सिस्टर भी आई हुई है मेरे घर में रहने के लिए और आज इसका व्रत है तो मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलाती हूँ। तो गाइज ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रहने आई हुई है, ये कुछ दिन यहीं पे रहेगी। गाइज श्री राधा जी का आज बर्थडे है और आज इन्होंने राधा अष्टमी का व्रत रखा हुआ है तो हम पूछते हैं इनसे कि इनके क्या थॉट हैं। हेलो गाइज, आज मेरा व्रत है, मैंने राधा अष्टमी का व्रत कर रखा है। कहते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उसके बाद जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप राधाअष्टमी का व्रत रखोगे। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रख रखा है उसके बाद आप राधाअष्टमी का व्रत नहीं करोगे तो इसमें व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। गाइस जैसा कि आपने सुना कि मेरी सिस्टर ने जो बोला आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा क्योंकि ये टीचर है तो इनमें कुछ तो क्वालिटी होगी, मैं तो ज़्यादा अच्छा बोलती हूँ। जो मेरी छोटी सिस्टर है और मेरे ब्लॉग में आपको कुछ दिनों तक दिखती रहेगी। राधा अष्टमी के जन्मदिन पर मैं उनके भोग की तैयारी कर रही हूँ तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे घी बनाने के लिए रख दी है, यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिए हैं और साथ में मैंने कुकर में चावल बना रखे हैं। सब्जी में मैं राजमा बना रही हूँ और आज राजमा चावल बनेंगे और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे हैं गाइस, लेकिन थोड़ा बहुत हम जितना हो पा रहा है हम उतना ही कर रहे हैं। गाइस हमारी जो खीर है वो पक गई है, बन चुकी है, अब हमारी दीदी पूरी बना रही है। देखिए पूरी बना रही है हमारी दीदी। यहाँ तेल गाइस गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पर पूरी डाल दी है, अब ये सकते देखेंगे कि ये फूलती है कि नहीं। हमसे फूल जाएगी तो यहाँ कहते हैं गुस्से में बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि गुस्से में बनाते हैं ना तो पूरी फूल जाती है। इसमें फूल गई है, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि ये जल्दी नहीं बना रही, मुझे भूख लग रही है। अच्छा तुझे व्रत रखा हुआ है और तुझे भूख लग रही है, रुको जरा खबर करो बन रही है पूरी। देख सकते हैं गाइस बन के पूरी तैयार हो गई है, भोग की थाली जो है तैयार हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए आप राधा रानी के भोग में खीर बनाई गई है और राजमा की सब्जी, चावल, पूरी और राधा रानी जी के लिए चटका भी प्रबंध किया गया है। तो यहाँ पे जो तुलसी का पत्ता लगा हुआ है रखा हुआ है, रखा हुआ है। कहा जाता है कि जब तक भोग में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाता है, चढ़ाया जाता है, तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे।